मैं कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताने जा रही हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, ज़्यादा मशक्कत और पैक्स एंड ऑल की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, ग्लोइंग दिखेगी, मेंटेन रहेगी। जैसे हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, टाइम नहीं होता, वर्किंग लेडीज़ हैं, ये वो काम कर सकती हैं, कह लीजिए इन नो टाइम। एक इजी वे जो होता है, जैसे पुराने ज़माने के लोग यूज़ किया करते थे, उनकी स्किन भी अच्छी रहती थी, उसी तरीके का कुछ सिमिलर मैं आपको बता दूँगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। क्या करना है आपको, कुछ बातों का ध्यान रख लेना है। क्या करेक्ट क्लेंजर आपको इस्तेमाल करना है स्किन की टाइप के लिए। आपकी जैसी भी स्किन है, ऑयली है, एक्नी प्रोन है, तो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड वॉश, फेस वॉश ले लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है एक्नी प्रोन स्किन पे। ड्राई स्किन है आपकी तो मॉइस्चराइजिंग कोई, यू नो, मिल्की मॉइस्चराइजिंग क्लेंजर ले लीजिए। और अगर आपकी स्किन पे ब्राउन स्पॉट्स हैं, मेलाज्मा है, तो आप कोई ब्राइटनिंग फेस वॉश ले लीजिए। लेकिन मैं तो घर का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं वही बताऊँगी आपको कि चाहे कोई भी टाइप की स्किन हो, आप मेरा स्किन वाइटनिंग का पाउडर देख लीजिए, राइस का, मिल्क का देख लीजिए स्किन वाइटनिंग के लिए, वो बेहतरीन काम करता है आपके, यू नो, क्लेंजिंग के लिए। मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है और इन नो कॉस्ट, बिल्कुल नो कॉस्ट है, बाहर की कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, सब कुछ घर का ही है, बिल्कुल सेफ़ है किसी भी टाइप की स्किन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि आप बाहर के नए नए क्लेंज़र इस्तेमाल ना करें, कोई दूसरी स्किन टाइप का क्लेंज़र इस्तेमाल ना करें, और अपनी स्किन पे ट्रायल ना मारें। आपको अपनी जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, आपके ब्रशेस हैं आईलैशेस के, आपके पाउडर के, कॉम्पैक्ट पाउडर के, जितने भी ब्रशेस हैं मेकअप के सामान के ब्रशेस, वो आपको आईज़ का हो, फेस का हो, यू नो, आपको उसको वॉश करना है हर यूज़ के बाद। बिकॉज जब आप चेहरे पे लगेगा, बैक्टीरिया आता है उसमें और बार बार वो पाउडर में जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मॉइस्चराइजिंग करनी है, बिल्कुल यकीनन मॉइस्चराइजिंग करनी है आपको। अगर ऑयली स्किन है तो कम करनी है, ड्राई है, वेरी ड्राई है, तो अकॉर्डिंगली ज़्यादा करनी है, बट करनी है, जिससे फ्रिकल्स और सैगी स्किन और यू नो बूढ़ापन स्किन में ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपको क्या करना है, अपने चेहरे पे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, बहुत लोगों को बहुत आदत होती है, इससे बैक्टीरिया आपके चेहरे पे कहीं पे भी जगह पे आपके हाथ रख लगे होंगे, टेबल पे, चेयर पे, बेड पे, चादरों पे, कहीं पर भी आप अपने चेहरे पे लगा लेंगे, बैक्टीरिया आ जाता है, पिंपल्स आ जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। आप कैसे भी बैठे हैं, चेहरे पे हाथ ना लगाएं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक्सफोलिएट करना है अपनी स्किन को, जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोज़ नहीं, रोज़ से आपकी स्किन रफ़ हो जाएगी, फ्रिकल्स आ जाएंगे, पिगमेंटेशन मेलाज्मा भी आ जाएगा अगर आप ज़्यादा स्किन को रगड़ेंगे। ज़्यादा नहीं रगड़ना इसको, आपको सिर्फ वीक में एक या दो बार, 3 डेज़ में एक बार का मना लीजिए, आप 3 डेज़ में एक बार आपको अपनी स्किन को अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, हार्ड नहीं, थोड़ा यू नो अच्छे तरीके से। ड्राई स्किन है तो एलोवेरा में डाके करें, नॉर्मल है तो नॉर्मल से करें। फिर आपको क्या करना है, आपको सन में नहीं जाना बाहर, सन टैन हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, झुलस जाती है, पिगमेंटेशन मेलाज्मा वहीं से आता है, नो मैटर आपने कितना भी यू नो सनस्क्रीन लगाया हुआ हो, डबल कोटिंग लगाई हो, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग लगाई हो, उसके बाद भी ये सन टैन स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल काला बना देगा स्किन को। लेकिन कौन सी वाली धूप में आपको बैठना है, D3 लेने के लिए, विटामिन D3 लेने के लिए आपको बैठना है सुबह 8 से लेकर 10 बजे वाली धूप में आपको बैठना है, ठीक है। अगर इतना देर नहीं बैठ पाते तो 9 से 10 वाली के बीच में बैठें। आप 11 बजे 10:30 11 बजे के बाद आप धूप में नहीं बैठेंगे, सन टैन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कौन सी सन रेज में आपको बैठना है और कौन सी में नहीं बैठना, इस बात का ध्यान रखें। जो ज़्यादा काली स्किन वाले होते हैं उन्हें 3 घंटे लगते हैं विटामिन डी लेने के लिए सन से। हमारी जो स्किन है एशियंस की, इंडियंस की, उनकी स्किन के लिए 1.5 घंटा लगता है, और जो बिल्कुल फेयर स्किन वाले होते हैं जैसे अमेरिकन्स एंड ऑल, तो उनकी स्किन में सिर्फ 30 मिनट्स में स्किन में विटामिन डी मिल जाता है सनरेज से। तो किस टाइप की आपकी स्किन है उस बात का आप ध्यान रखें। फिर क्या करना है, हाइड्रेट करना है अंदर से भी बाहर से भी। आपको इनफ वाटर ड्रिंक करना है, सिट्रस फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने हैं, गर्म पानी से आपको बाल और स्किन नहीं धोना है, राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, और
अपना ध्यान रखना है ड्राइनेस का, कि ड्राई मंथ्स में आप कैसे इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को, और यू नो सर्दियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, आजकल क्या है लिक्विड क्लोरोफिल आ रहा है, सुपर फूड बोलते हैं उसे, जिसमें लिक्विड ग्रीन्स जो होते हैं वेजिटेबल्स एंड ऑल फ्रूट्स, उसका पूरा निचोड़ करके मिलाकर सेल किया जा रहा है लाइक अ सॉर्ट ऑफ यू नो सप्लीमेंट। बट इससे अच्छा है कि आप नेचुरली, नेचुरल ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल, रादर देन ऐसी यू नो बाहर की सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा है कि आप अपने नेचुरल ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे आ जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, यही मेन है। ये जो मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ ये एक सपोर्टिंग है, सपोर्ट करेंगे आपकी स्किन को, लेकिन जो अंदर से काम करेगा वो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स, रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ही काम करेंगे। आप देख लीजिए जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स बालों की हैं, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की हैं, वो सारी इससे सॉल्व हो जाएंगी जब आप अपने ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अपनी गिज़ा में, अपने फूड में शामिल करेंगे, और ज़्यादा उसको पकाएंगे नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं खाएंगे। सारी चीज़ें आपके फूड से ही रिलेटेड होती हैं। आपको विटामिन्स अपनी चेहरे पर देने हैं, मतलब खाना है, ठीक है ना, सप्लीमेंट्स। आपको ओमेगा 3 लेना है जो कि फ्लेक्सीड में होता है, अगर आप वेजिटेरियन की बात करेंगे फ्लेक्सीड में होता है, वॉलनट्स में होता है, वरना आप फिश ऑयल भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको लेना ही चाहिए, बॉडी के लिए भी अच्छा है, लेकिन स्किन इससे बहुत अच्छी ब्राइट टाइटनिंग होती है और बहुत अच्छा रहता है ये आपकी स्किन के लिए। फिर आपको नए नए प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आते हैं हर कुछ यूज़ नहीं करना, सस्ते प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे नहीं लगाना, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी उठाकर कोई भी कंपनी का नहीं यूज़ करना है। मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ऑल वो बहुत हार्श केमिकल्स के होते हैं, बहुत उसमें यू नो चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आप कभी पार्टी में जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, जब भी आपको मेकअप करना है अच्छे ब्रांडेड वाले कम ही प्रोडक्ट यूज़ करें, लेकिन अच्छे वेरीफाइड वाले यूज़ करें जो आपकी स्किन को हार्म ना करें, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आप सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी लड़कियां, औरतें सोचती हैं, आदमी सोचते हैं कि घर में ही तो हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि घर में भी सन रेज, यूवी रेज जो हैं वो 62.8% लाइट के थ्रू ट्रैवल करती हैं और आपकी स्किन में अंदर बैठ जाती हैं, ठीक है। चाहे रेनी सीज़न हो, कोई भी हो, इंडोर हैं आप, आपको बिल्कुल सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि लेडीज़ जो घर में खाना बनाती हैं आपने देखा होगा मेलाज़मा हो जाता है उनको, वो तो धूप में नहीं रहती फिर भी हो जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है, झुलस जाती है, क्योंकि बिल्कुल हीट के सामने रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, हीट आती है, स्किन ख़राब हो जाती है उससे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लेयर्स लगाएं स्किन के, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगाएं, ज़रूर से लगाएं, और भले ही दो बार ना लगाएं, एक ही बार लगाएं, नहाने के बाद लगा लें। अगर आप बार बार चेहरा धो रहे हैं तो आप एटलीस्ट दो बार लगाएं, ठीक है, जिससे स्पेशली तब जब आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने का टाइम स्पेशली तब आप लगाएं, ठीक है, तब आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, मेलाज़मा पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आपकी स्किन सेफ रहेगी। फिर अब बात कर लेते हैं नींद के बारे में। बहुत सारी वुमेंस को, स्टूडेंट्स को नींद प्रॉपर नहीं मिलती, जिससे माइंड डिस्टर्ब रहता है, स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। शायद ये लड़कियों को नहीं पता या यू नो इसे बहुत लाइट लिया जाता है, लेकिन आपको गुड स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। ये आपके ओवरऑल बॉडी को ट्रीट करता है और यही एक यू नो मेन जड़ होती है जो आपकी स्किन अच्छे से यू नो खिली खिली नहीं लगती, सूदिंग नहीं लगती, क्योंकि आपने बॉडी को थका दिया है, स्किन डैमेज हो गई है, बिल्कुल उससे बॉडी भी डैमेज हो जाती है, आप ढंग से कुछ काम कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी डिपेंड करता है, कुछ लोगों की 6 घंटे में अच्छे से नींद हो जाती है, कुछ लोगों की 7 में 8 में, किसी किसी की 9 में भी चली जाती है, बट 8 घंटे, 6 से 8 घंटे के बीच में आपको सोना ही सोना चाहिए, मतलब 6 से 8 घंटे की जो स्लीप है आपको लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। किसी के लिए जैसे कि मैंने बताया 6 घंटे काफ़ी हैं, 7 घंटे काफ़ी हैं, 8 घंटे काफ़ी हैं, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कितने आवर्स अच्छे रहते हैं आपके लिए। वो स्लीप लेनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए, एक स्किन का पार्ट है जिसे हम मैक्सिमम अवॉइड कर देते हैं और बाहर की चीज़ों पे लगाने में और उसमें लगे रहते हैं, ये इफ़ेक्ट करता है बॉडी पे, इस बात का ध्यान रखें। फास्ट फूड से आपको बचना होगा, कम खाना होगा, डिटॉक्स करना होगा बॉडी को, डिटॉक्स की वीडियो मैंने बना रखी है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ताकि स्किन में जो पिंपल्स प्रॉब्लम्स हैं वो भी ना आए।
इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून फॉर मेनी वीडियोज़। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल लवली पीपल।